गुड आफ्टरनून जैन बच्चों, आइए हम लोग फाउंडेशन कोर्स के तहत रोमन नंबर सीखते हैं। कभी कभी नवोदय में भी इसके सवाल रोमन नंबर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो रोमन नंबर में देखिए, आपको इतनी चीज़ें बस दिमाग में रखनी है, वन के लिए आई है, फाइव के लिए वी है, टेन के लिए एक्स है, फिफ्टी के लिए एल है, हंड्रेड के लिए सी है, 500 के लिए डी है और 1000 के लिए एम है। इन सिंबल्स को अगर आप याद कर लेते हैं, 1000 तक की संख्याएं आप आराम से 2000, 3000, आप 3000, 4000 तक की आराम से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए सबसे पहले कुछ नंबर्स का आपको मैं बता दूं। वन के लिए देखिए क्या लिखना है, आई, और टू के लिए दो बार, तीन के लिए और चार के लिए, यहाँ से देखिए बदलेगा, यहाँ से बदलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी चार आए, 40 आए या 400 आए, और एक और, जब भी 9 आए, 90 आए या 900 आए, तो यहाँ पे आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, चार आ गया, चार को जब भी लिखना हो तो आप पाँच के रिलेशन में, 50 के रिलेशन में या 500 के रिलेशन पे लिखेंगे। पहले हम पाँच लिख लेंगे, पाँच के लिए देखिए V है, पाँच के लिए क्या है? V। पाँच में से कितना घटाएंगे कि चार आ जाएगा? एक। तो ये चार हो गया। पाँच के लिए आपको पता ही है V लिखना है। सिक्स के लिए देखिए, पाँच में हम कितना जोड़ेंगे कि छः आएगा? एक। सात के लिए V लिख के दो बार, आठ के लिए वी लिख के तीन बार। अब देखिए फिर से नौ आ गया, नौ के लिए मैंने क्या नियम बताया है कि घटाने वाला करना, लेकिन घटाना किससे? ठीक उसकी आगे वाली संख्या से घटाना है। पहले हम दस लिख लेंगे, दस का सिंबल क्या है आपका? एक्स। एक्स में से कितना घटाएं? अगर आप इसके इस तरफ लेफ्ट साइड लिख देते हैं बच्चों, तो घट जाता है, क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने पाँच लिखा, पाँच के इधर एक लिख दिया, तो ये घट गया, क्या हो गया? ये माइनस हो गया। और 10 के लिए आपको पता ही है कि x लिखते हैं। ये क्रम बच्चों चलेगा 39 तक, कहाँ तक चलेगा? 39 तक। अगर 39 आपको लिखना है तो देखिए 39 कैसे लिखेंगे, x, x, x। ये देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह नहीं, लेकिन इसमें जोड़ माना जाता है, 10, 10, 20 और ये 30। और 9 कैसे लिखते हैं, देखिए 9 ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आई बारी, मान लीजिए 45 की। एक और चीज़ मैं विस्तारित रूप में बता दूं आपको, जैसे अब 39 है, इसको पहले विस्तारित रूप सोच लीजिए दिमाग में, कॉपी पे नहीं लिखना है। 30 में कितना जोड़ेंगे आप? 9। तो 30 को देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया और 9 मैंने अलग लिख दिया। तो जब भी कोई संख्या है उसको आपको पहले विस्तारित रूप में लिख देना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसके बाद आपको संख्या को लिखना है। अब देखिए मैंने ले लिया 46, 46 में क्या करेंगे, 40 प्लस 6, यही होगा ना विस्तारित रूप इसका। फिर देखिए 40 आ गया, 40 मैं बोला कि घटाने के रूप में लिखेंगे, पहले क्या करेंगे 50 लिखेंगे। 50 का क्या सिंबल है बच्चों? L। L में से कितना घटाएं हम? 10। इधर लिख दिया तो 10 घट गया, तो ये 40 हो गया। और कितना लिखना है? 6। 6 कैसे लिखेंगे? 5 और 1, तो देखिए 46 हो गया, समझ में आया। अब देखिए अगर 75 लिखना है, 75 कैसे लिखेंगे? 70 प्लस 5। अब हम जोड़ पे ही चलेंगे क्योंकि अभी हम 90 पे नहीं पहुंचे हैं। 70 कैसे लिखेंगे? पहले 50 लिख लेंगे, 50 में कितना जोड़ेंगे हम? 20, 1, 2, अब 5 लिख दें, 5 हो गया, ये 75 हो गया। इजी है काफ़ी। इसके बाद आइए देखिए, अब आ गया मान लीजिए 96 लिखना है मुझे, 90 प्लस 6। जब भी 4 और 9 पे मैंने बोला है बार बार घटाने पे देना, अगली संख्या से घटाना है। 90 के बाद कौन सा 10 आता है? 100। 100 में से कितना घटाएंगे? 10। 100 का सिंबल बच्चों C है, C में से अगर 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, ये देखिए 90 हो गया। और इसमें साथ में कितना जोड़ देंगे? 6, 5 और 1, 6, तो ये 96 हो गया। 100 का क्या सिंबल है? सी। अब बच्चों ये देखिए 100, 200, 300, कोई संख्या बोलिए 100 और 400 के बीच में, हाँ कितना लिखूं? 390। इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, पहले 300 लिख दे रहा हूँ प्लस 90। 300 को मैं कैसे लिखूं बताइए? सी को
तीन बार 100 को जोड़ देना है, सी सी सी, 300 हो गए। और 90 के लिए हमें क्या करना है, पहले 100 लिखना होगा, 100 में से कितना घटा देंगे, 10। तो देखिए 390 हो गए। अब देखिए मैं आ रहा हूँ 415 बता रहा हूँ, 415। अब ये 400 आ गया, 400 के बाद कौन सा सैकड़ा आता है, 500। तो 500 के लिए देखिए सिंबल है डी, क्या है डी, तो डी में से हम कितना घटाएंगे कि 400 आ जाएगा। पहले अच्छे इसका मैं पहले विस्तारित रूप लिख दूं ताकि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाए, बाद में मत लिखिएगा। प्लस 15, ठीक है, 500 के लिए क्या सिंबल है डी, डी में से कितना घटाऊं मैं, 100 घटा दूं, अब 15 कैसे लिखेंगे, 10 और 5, 415 हो गया, 29। अच्छा अच्छा, तो इसको हम तोड़ दे रहे हैं, 500 लिख रहे हैं फिर 29 लिख रहे हैं, 500 के लिए क्या है सिंबल डी, और 29 के लिए क्या करना है, 20 लिखेंगे पहले फिर 9, 20 हो गया ये 9, 29 हो गया, 500 के लिए क्या है डी। कोई संख्या और बोलिए, 1000, 790, 790। तो पहले हम 700 लिख लें फिर 90, इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, पहले 500, 500 में कितना जोड़ूंगा, 200 जोड़ दूंगा तो 700 हो जाएगा ना, 100 और 100, 700 हो गया। 90 के लिए क्या करना है मुझे, 100 लिखना है, 100 कितना है सी, 100 में से कितना घटा देंगे, 10। याद रखिएगा घटाने के लिए इधर लिखना है, जोड़ने के लिए इधर लिखना है। ये देखिए डी बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या के इधर कोई भी छोटी संख्या लिखते हैं तो जुड़ती है, वो क्या होती है जुड़ती है। और ये देखिए बड़ी संख्या के इधर मैंने छोटी संख्या लिखी ना तो ये घटती है, ये घटती है, ये भी इसका नियम है। और कुछ बताइए, 800, अब 900 पे जाइए, 999। अच्छा 999 ना, इसको हम तोड़ दे रहे हैं, पहले 900 कर दे रहे हैं फिर 90 कर दे रहे हैं मान लीजिए, फिर 9 कर दे रहे हैं, और इसको तोड़ दिया मैंने और विस्तारित रूप में लिख दिया एकदम, ठीक है। 900 के लिए देखिए मैंने क्या बताया था, 990 900 पे घटाने वाला करना है, तो 900 पे सैकड़ा आगे कौन सा है, 1000 का, तो पहले क्या लिखेंगे एम, एम में कितना घटाऊंगा कि 900 आ जाएगा, 100, सी लिख दूं। 90 के लिए क्या लिखना है, ये 900 हो गया, ये क्या हो गया 900, 90 के लिए 100, 100 में से कितना घटा दूं, एक्स, 90 हो गया, ये 90 हो गया, और 9 के लिए 10 में से, 10 में से एक घटा दिए 90 हो गया, तो 999 हो गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको 1250, तो पहले 1000 कर लेते हैं, फिर इसको 200 कर लेते हैं, फिर इसको 50 कर लेते हैं। 1000 के लिए क्या है एम, 200 के लिए सी और सी, और 50 के लिए एल, ठीक है, समझ में आया। इसको आप लोग नोट कीजिए, अभी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको इजीली ये सब याद चीज़ें हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, थैंक यू।